राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास महात्म्य अध्याय 12। मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान होता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। अर्थात जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है, वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ महीने में तिलों का दान कर जरूर जरूर करना चाहिए। तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और प्रलवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुलवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म्य 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्म नाम के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बर धरी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या धर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है? मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। माघ मास महात्म्य 13वां अध्याय मेरी अगली वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।